इलेक्शन स्टेट झारखंड में चुनाव कार्य के लिए पहुंचे जवान इस वक्त गुस्से में हैं। गुस्सा इतना ज्यादा है कि अपनों पर ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। सोमवार की सुबह रांची में जवान विक्रमादित्य राजवाड़े ने दो अधिकारियों को गोलियों से छलनी कर दिया था, तो देर रात गोमिया में सीआरपीएफ के जवान दीपेंद्र यादव ने अपने दो सीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के मुताबिक रांची की घटना विवाद को लेकर हुई, दो गोमिया की घटना के पीछे छुट्टी नहीं मिलने के चलते सामने आया है। इन दो घटनाओं ने सुरक्षा बलों के बीच पल रहे तनाव को सामने ला दिया है। तो आखिर ये जवान गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि एक के बाद एक कई घटनाएं यहां पर सामने आ चुकी हैं, जहां एक तरफ उन्हें स्थिति को सामान्य बनाए रखने की जिम्मेदारी, तो दूसरी तरफ अपनों पर ही गोलियां दाग रहे हैं जवान। और इन सभी मामलों में एक ही बात सामने आ रही है कि छुट्टी और ड्यूटी को लेकर कहीं ना कहीं विवाद था, सिर्फ तनाव या कोई और भी वजह है। ये सवाल खड़े हो जाते हैं इन मामले सामने आने के बाद कि आखिर ये जवान गुस्से में क्यों हैं? आखिर क्यों जवान ले रहे एक दूसरे की जान? क्या तनाव ही इसकी वजह है या कोई और वजह? तो ये सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। तो आखिर ये जवान गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि एक और मामला यहां पर सामने आया सोमवार शाम का, जहां पर गोमिया में दो सीनियर अफसरों के एक जवान ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? जवानों में ये गुस्सा किस बात को लेकर है, या सिर्फ ये तनाव है, या इसके पीछे कोई और वजह? क्योंकि अब तक 3 से 4 मामले इस तरह से सामने आ चुके हैं। और साथ ही यहां सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब ये तनाव चल भी रहा है तो इस तनाव का सही टाइम पर निपटारा क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इस तरह के मामले जो सामने आए उसमें एक वजह यहां पर सामने आई है कि कहीं ना कहीं छुट्टी और ड्यूटी के चलते ये तनाव था। लेकिन अगर इस तरह का कोई तनाव है तो इसको दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि यहां पर गाइडलाइंस भी हैं, नियम भी हैं, तो फिर इस तरह की हरकतें जवान क्यों कर रहे हैं? तो जिस तरह से घटना सामने आई गोमिया की, सोमवार शाम गोमिया में एक जवान ने दो अधिकारियों को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, सवाल ये हो रहा है कि आखिर ये जवान गुस्से में क्यों है? क्या ये वाकई फ्रस्ट्रेशन है, तनाव है, या इसके पीछे कुछ और वजह है? तो जिस तरह से झारखंड में चुनाव हैं और विधानसभा चुनावों को देखते हुए इन जवानों की तैनाती की गई है, तो दूसरी तरफ ये हत्याएं और घटनाएं सवाल खड़े करती हैं।